नाम डॉक्टर विष्णु वाजपेयी है। मैं एमएस ऑर्थोपेडिक्स यहाँ पर अस्थि रोग विभाग का अध्यक्ष हूँ। आज एक बहुत ही आम चीज है जिसके बारे में बात करना चाहेंगे। आप लोग हमेशा जोड़ों की बीमारी, घुटने का दर्द, कमर का दर्द, ये सब चीज़ों के बारे में आए दिन सुनते रहते होंगे, पढ़ते रहते होंगे, जानते रहते होंगे। लेकिन एक मसला है जो कि स्पेशली अगर पहाड़ों की बात की जाए तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही नज़रअंदाज किया जाने वाला मसला है। बात कर रहे हैं गठिया की, जिसको अंग्रेजी में रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलते हैं। आमतौर पर रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक जोड़ों की बीमारी ही है, बिल्कुल। लेकिन क्यों ये नज़रअंदाज होती है, वो इसलिए क्योंकि इसमें जो लक्षण आते हैं, लोग इसको काम के साथ संबंधित कमर का दर्द, विटामिन्स की कमी या नसों की कमजोरी के रूप में नज़रअंदाज कर देते हैं। होता क्या है कि इस बीमारी को प्रॉपर इलाज नहीं मिलता, साल दर साल ये शरीर के अंदर पनपती रहती है, जोड़ों को अंदर ही अंदर खाती रहती है। महिलाओं को घर पे आए दिन कितने सारे काम करने होते हैं, किचन संभालना है, बच्चों को संभालना है, घर के और भी 50 काम होते हैं, फिर बाहर भी जाती हैं, वर्किंग लेडीज भी होती हैं। इन सब कामों के तले वो बीमारी कहीं ना कहीं नज़रअंदाज होती रहती है। जोड़ों का दर्द उठता है, मरीज कोई दर्द की दवाई खा लेता है, चंद घंटों का आराम रहता है, मरीज काम करता रहता है, लेकिन बिना बीमारी प्रॉपर इलाज के अभाव में अंदर ही अंदर पनपती रहती है। तो बहुत जरूरी है कि कभी भी किसी भी महिला को, खासकर 20 से 40 साल की वर्ष के बीच में जो गैप आता है उसमें, और पहाड़ों में बार बार मैं इसलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इस पूरे क्षेत्र में अगर हम उत्तराखंड की बात करें, पहाड़ी एरिया की बात करें, तो यहाँ पर ये बीमारी होने का चलन ज्यादा है। ये बीमारी किसी के छूने से नहीं लगती है। जिस तरह हमारे खून में ब्लड ग्रुप होता है, उसी तरह ही हमारे खून में ही होती है। इसीलिए पहाड़ी होना आपके ये बीमारी कैरी करने का और एक उम्र आके बाहर निकलने का चांस थोड़ा सा बढ़ा देती है। इसके मुख्य लक्षण क्या है? उंगलियों में जकड़न होना। मरीज खासकर ये बात बताते हैं कि सुबह सोके उठे, सारे जोड़ जकड़े हुए मिले, थोड़ा बहुत काम शुरू किया, घर का काम किया, बाहर गए, हाथ पैर चलाए तो वो अकड़न खुल गई। इसके अलावा सारी गांठों में दर्द होना, कलाई, कोहनी, गर्दन, पीठ, कमर, घुटने और कूल्हे। ये किसी अलग जोड़ की खास बीमारी नहीं है, ये पूरे शरीर की बीमारी है जो सिर्फ जोड़ों पर जाके हमला करती है। तो इसी बीमारी को ध्यान में रखते हुए अगर कभी भी किसी भी महिला को, जैसे मैंने एक उम्र का कैटेगरी बताई 20 से 40, हालांकि उसके पहले भी हो सकता है, उसके बाद में भी हो सकता है, को एक से ज्यादा जोड़ों में दर्द उठे और साथ ही उंगलियों के जोड़ों में अकड़न या जकड़न हो, खासकर सुबह उठने के बाद, तो जरूर अपने निकटतम डॉक्टर से, अगर हो सकता है ऑर्थोपेडिक सर्जन मिल जाए तो उनसे, या फिर गठिया के पास खास अलग डॉक्टर भी आते हैं जिनको रूमेटोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनसे जरूर संपर्क करें, अपने लक्षणों की जांच करवाएं, जो जरूरत पड़ती है तो खून की जांचें करवाएं और अपने बीमारी का प्रॉपर इलाज करें। अरिहंत हॉस्पिटल में आज की तारीख में अस्थि और हड्डी जोड़, इनसे संबंधित हर ऑपरेशन, हर इलाज एक छत के नीचे मौजूद है। हम आपको विश्वास दिलाना चाहेंगे कि आपकी हड्डियों और अपने जोड़ों से संबंधित कोई भी दिक्कत है तो आपको उचित से उचित और उच्चतम से उच्चतम उपचार यहाँ पे आपको जरूर मिलेगा। नमस्कार।